मैं सबसे पहले तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और एनआईडी फाउंडेशन के प्रति आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी ने 12 मार्च 2021 को आजादी के अमृत महोत्सव की घोषणा की तो उसमें लगातार मीटिंग्स हुई और उनका एक ही भाव था कि यह कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है और इसमें अधिक से अधिक जन भागीदारी होना चाहिए और जनता के प्रति भाव कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, सबका समान भाव के साथ ये कार्यक्रमों के आयोजन होने चाहिए। तो आज उसी भाव जो है वो प्रेरणा थी और उसी भाव को सामने व्यक्त करते हुए जब गिनीज बुक को वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया गया और मानव श्रृंखला में सबसे बड़ा तिरंगा या सबसे बड़ा झंडा जो है किसी भी देश का वो बनाना का काम किया गया, इतनी बड़ी फॉर्मेशन किसी ने दुनिया में नहीं की, उसके लिए मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को एनआईडी फाउंडेशन को आभार व्यक्त करती हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा उसको जमीन पर उतारने का काम और हर भारतीय को गौरवान्वित करने का काम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने किया। बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा मैसेज है, क्योंकि युवा शक्ति जिसने अमृत काल में देश की बागडोर संभालनी है और देश को आगे ले जाने का काम करना है, उनके अगर प्रेरणा भाव सही है और उनकी प्रेरणा अगर तिरंगा है तो मेरा देश सुरक्षित है, मेरी सभ्यता सुरक्षित है और उसको लेकर ये सब जो युवा हैं उस तिरंगे को हाथ में लेकर आगे बढ़ेंगे।